नमस्कार, मैं गुरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। अभी हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था 2 बेडरूम, अब हम आपको दिखा रहे हैं 3 बेडरूम। और 3 बेडरूम में क्या क्या खास चीज़ है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। सोसाइटी के बारे में हमने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे सब कुछ है, आसपास है, वही सोसाइटी है जहाँ पे 1 बेडरूम की जो इनका व्यू था और दूसरा 3 बेडरूम का था। तो 3 बेडरूम का फ्लैट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि हमारे जो पीछे आप देख सकते हैं कि यहीं पे सब कुछ, ये पार्क भी है, बिल्डिंगें भी है, मार्केट भी है, और इसी के फर्स्ट फ्लोर पे हमने आपको अभी जो 3 बेडरूम का जो है फ्लैट है वो अभी दिखाना है। अब हम चल रहे हैं 3 BHK के अंदर। तो ये 3 BHK जो है ये साइज में बड़ा है, इसमें एंट्री के ऊपर ही ये शूज़ रैक रखा हुआ है। इसमें स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है कि हम इस तरीके से अपना शूज़ यहाँ पे रख सकते हैं। और ये अलमीरा है, एंट्री के ऊपर ही एक अलमीरा बना दी गई है, नीचे ड्रेसिंग का सिस्टम बना दिया गया है और बिल्कुल सामने ही आपकी लिफ्ट है। ये काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, आप देख सकते हैं, और थोड़ा ग्लैमरस भी लुक है, भी कॉमन एरिया है यहाँ का। तो राइट अगर मुड़ेंगे तो मुड़ते ही यहाँ पे एक वॉशरूम होगा जिसमें नहाने का इंतज़ाम नहीं है, शावर नहीं है, खाली वॉशरूम है। और इससे बाहर निकलते हैं तो हमारी ये बिल्कुल आलीशान, जो जिसको बोलते हैं, ऊपर लाइटिंग से लेकर अंदर का सर चीज़ यहाँ पे ब्रांडेड है। तो ये किचन है, मैंने इंडिया में बहुत सी प्रॉपर्टी दिखाई पर इस लेवल की जो किचन है वो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। आप देख सकते हैं, पहले तो ये जो गैस है वही हमारे यहाँ नहीं इस तरीके से मिलता, और इसमें ही ओवन है, इसमें ही ये सब कुछ लगा हुआ है। और पीछे आप देख सकते हैं कि फिर वही ग्रीन इंडिया, और किचन के अंदर ही ये स्टैंड बना हुआ है। और ये जो हर रूम में होता है हीटिंग सिस्टम और डाइनिंग टेबल, शानदार है। ये चीज़ें रेट के बीच में नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से लगवा सकते हैं, बट जो बेसिक फिटिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं ये सब कुछ लगे होंगे। ये इसमें बहुत से ड्रॉर्स बना रखे हैं, जो हमारा स्टोर होता है वो तो खाली स्पेस होती है, इसमें वगैरह आप ऐसे स्टैंड ले सकते हैं। ये स्टैंड बने हुए हैं, इसको नीचे भी कर सकते हैं, रैक जिसको बोलते हैं हम इंडिया में, तो रैक है यहाँ पे, कवर है सारे के साथ। ये जो हमारा वॉशरूम है जो घर के अंदर एक होता है नहाने वाला, और इसी के अंदर ही वॉशिंग मशीन और वॉशरूम और टॉयलेट सीट फिट होती हैं। 18x11 का ये रूम दिख रहा है जो बहुत शानदार है, और बेड का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। पीछे वॉल पे पेंटिंग्स बड़ी ज़बरदस्त लगा रखी हैं, और ये सारा सिस्टम अलमीरा स्लाइडिंग में है, और साथ में एसी भी हायर का लगा रखा है। तीनों कमरों को आप एक बार फिर दिखा दें। ये स्मॉल रूम है, बिल्कुल सामने ये किचन, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये वॉशरूम है, ये स्टोर रूम है, और ये एक और बेडरूम है जिसको लिविंग स्पेस कहते हैं। फिर किचन आ गई, और किचन से बाहर निकलते ही फिर हम गेट से बाहर निकल जाए। ये सीढ़ियों का रास्ता है कि हम अगर लिफ्ट बंद हो जाए तो सीढ़ियों से भी हम नीचे जा सकते हैं, तो वो रास्ता भी इन्होंने बना रखा है। हम फर्स्ट फ्लोर थे और हम नीचे आ गए। दोस्तों, हमने आपको दिखा चुके हैं 3 बेडरूम का फ्लैट भी, और 3 बेडरूम का जो फ्लैट है 2 बेडरूम से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, और इसका जो ड्राइंग रूम है बहुत खुला हुआ है, और जो किचन है वो बहुत शानदार है, और इसमें एक एक्स्ट्रा स्टोर रूम भी बनाया हुआ है। तो दोनों तरह के यहाँ पे वेरिएंट हैं, 2 बेडरूम भी हैं, 3 बेडरूम भी है, कंपनी एक ही है, यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है जो ये बना रही है, बिल्कुल सेंटर प्लेस है यहाँ का, दोनों तरफ लेफ्ट राइट मार्केट है, दोनों तरफ पार्क हैं, एक बड़ा सा बॉटनिक पार्क भी यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे झरने, पेड़ पौधे, गेम्स और बाग और बगीचे और काफ़ी कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है।
और बिल्कुल हमारे पीछे यहाँ पे बस स्टॉप है जहाँ पे बसें रुकती हैं। तो अगर आप यहाँ पे घर लेते हैं तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर आप ये जो 5 मिनट की दूरी पे आपको हर तरह की पब्लिक सर्विस यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। टैक्सी आप जब मर्जी कॉल कर सकते हैं, यहीं से उठाएंगे आपको। मार्केट आपकी बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे होगी। और तो दोस्तों जो प्रॉपर्टी है ना हमने आज आपको दिखाई है, उम्मीद है कि वो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करके बहुत मेहनत करके तकरीबन हम इस प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए हमें आज 4 घंटे मशक्कत करनी पड़ी तो जाके हम यहाँ पहुंच पाए हैं। और उम्मीद है कि हम आप हमारी मेहनत को जो प्यार देंगे, सत्कार देंगे और हमारे वीडियोस को आगे शेयर भी करेंगे। तो अगर कोई इंसान अगर कोई भी इंडियन यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहता है मॉस्को यानी रशिया में तो ले सकता है, लीगली ऐसी कोई बंदिश नहीं है। अगर आप हमारा नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर फ़ोन करके हमें बताएंगे तो हम आपका वीज़ा और यहाँ आने जाने का सारा इंतजाम भी कर देंगे ताकि आपको यहाँ पे आने और ये प्रॉपर्टी देखने में कोई परेशानी ना हो। तो हमारी टीम का एक ऑफिस यहाँ पे भी है तो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे लास्ट मोड तक, और आखिर में आपका जब मकान किराए पर चढ़ाना होगा तो भी हम आपकी मदद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।